नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोडिंग कोडिंग पढ़ा रहा हूँ, उसमें 6 पार्ट पढ़ा चुका हूँ और मुझे अगला 7वां पार्ट पढ़ाना है। इसमें कॉमन वर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि कॉमन वर्ड का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। यहाँ पर कोड देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कम अंगेन को होना लिखा हुआ है, कम ओवर हेयर को पी ए एन ए टी ए तथा ओवर एंड एबव को किट ता जा लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में हेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कम अगेन को हो ना लिखा जाता है, इसके बाद कम ओवर हेयर, कम ओवर हेयर को पी ए एन ए टी ए लिखा जाता है, ओवर एंड एबव को ओवर एंड एबव को किट ताजा लिखा जाता, तो उसी भाषा में हेयर का कोड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना क्या है यहां पर कि इस हेयर का कोड क्या होगा। अब जिसका कोड पूछा जाता है उसको कॉमन देखा जाता है। अगर हियर का कोड पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए 3 इक्वेशन दिया हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जिसका कोड पूछे उसको कॉमन देखना होता है। जैसे यहां पे हियर का कोड पूछ रहा है तो हियर कॉमन देखना होगा, तो ना तो पहले वाले में हियर शब्द लिखा है और ना ही तीसरे में। तो काम करते हैं, कम के बगल में या हियर के बगल में ओवर लिखा हुआ है तो पहले ओवर देखते हैं कि ये कॉमन है कहीं। देखिए ऊपर तो कॉमन नहीं है लेकिन नीचे कॉमन है, तो इन दोनों में ओवर लिखा हुआ है तो इन्हीं दोनों में कॉमन शब्द क्या मिल रहा है, टी ए मिल रहा है, तो यहां ओवर का कोड टी ए हो जाएगा। उसी तरीके से कम देखेंगे तो पहले और दूसरे में कम लिखा हुआ है और पहले और दूसरे में देखेंगे तो ना शब्द कॉमन है, मतलब यहां पर कम का कोड क्या होगा, ना। तो यहां से एन ए और टी ए हट गया तो क्या बच गया, पी ए। तो ओवर का यहां सॉरी हेयर का कोड क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछ रहा है क्योंकि प्रश्न में हेयर का पूछ रहा है, तो आपने देखा कि हेयर शब्द दूसरे वाले इक्वेशन में लिखा है लेकिन दूसरे में लिखा है तो ये कहीं पर अगर कॉमन मिल गया होता तो इतना कुछ हमको करने का आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अगर कॉमन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि उसके बगल में जो दोनों दे रखे हैं पहले उसका निकाल लीजिए और जो बच जाएगा वही क्या होगा, हियर का कोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम अगर ये कह दें कि आप बता दीजिए यहां पर कि अगेन का कोड क्या बचेगा, अगेन का कोड क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो बचा हुआ है अगेन का, वो हो जाएगा। अब अगर इसी तरीके से हम ये कह दें कि आप एन का कोड बता दीजिए, तो एन का कोड अगर बताएं तो एबो भी बचा हुआ है, एन भी बचा हुआ है। देखिए कहीं एबो लिखा हुआ है, नहीं है। आप ओवर का निकाल चुके यहां से, ना ना तो एन है ना तो एबो, कहीं पर कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में अगर एन का कोड निकालने जाएंगे जब दोनों के दोनों नहीं मिलते हैं तब ऐसे में क्या होगा, किट या जा दोनों आप ऐसे लिख देंगे। और इसी तरीके से एबो का अगर कोड बताना होगा तो इसका भी क्या होगा, किट या जा में से कोई। ये पॉसिबिलिटी केस बनती है, संभावना केस। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है जिसका कोड पूछ रहा है, अगर कॉमन मिल गया तो जल्दी हो जाता है, अगर कॉमन नहीं मिला तो उसके पड़ोस वालों को देख लेते हैं और जो बाकी बच जाता है वो क्या होगा, बाकी का हो जाता है। इसी पे क्वेश्चन हम और कराएंगे, अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट मन में रह गया होगा तो डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोडिंग की कोडिंग का बाकी वीडियो जो हमने डाला है उसको पीछे का रिवीजन करते चलिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कूट भाषा में टी आई एन एस आई का अर्थ मन आर गुड लिखा हुआ है, टी आई एस आई बी ए का अर्थ मन गुड हेयर लिखा हुआ है और तथा एस आई एफ ए बी ए का अर्थ गुड टाइम हेयर लिखा हुआ, तो मन का कोड बताना है। आइए पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ जो है।
देखिए ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको बताने में आसानी हो के, यहां पर मन का कोड करना है, ध्यान दीजिएगा मन का कोड करना है, तो ये पहले और दूसरे में कॉमन है, ये शब्द आपको तीसरे में नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा ये तीन इक्वेशन है और यहां पर जिसका कोड पूछ रहा है वो आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे में कॉमन है, ये तीसरे में कॉमन नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो SI तीनों में है, तो मन का कोड SI तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि SI तब हो पाता जब ये आपका मन क्या होता, तीनों में कॉमन लिखा होता। अगर हम TI की बात करते हैं तो TI दोनों में है, यहां NA लिखा है लेकिन NA आपका पहले और दूसरे में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जिसका कॉमन पूछ रहा है वो पहले और दूसरे में कॉमन दिखाई दे रहा है, और पहले और दूसरे में सिर्फ TI मिल रहा है, क्योंकि SI अगर पहले और दूसरे में है तो तीसरे में भी है, तीनों में नहीं होना चाहिए था। हाँ अगर SI यहाँ पे ना लिखा होता, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड में होता, तब हमें कंफ्यूजन बन जाता कि हम TI लें कि SI लें, तब उस कंडीशन में संभावना बनता TI या तो SI। यहाँ पर मन का कोड अगर की बात करते हैं तो दोनों में क्या मिल रहा है, TI मिल रहा है, यानी MAN का कोड अगर हम निकालेंगे तो TI आएगा। हम SI कोड किसका देखेंगे, तो गुड देखिए तो पहले दूसरे और तीसरे तीनों में गुड शब्द लिखा हुआ है, तो अगर हम गुड तीनों में लिखा हुआ है तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, SI हो रहा है, तो गुड का कोड SI हो जाएगा। अब R का कोड क्या बचेगा, जो यहाँ पे NA बच चुका है वही क्या होगा, R का कोड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको हियर का निकालना हो तो मन का TI निकाल चुके हैं, गुड का SI निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, केवल VA बचा हुआ है, तो हियर का कोड क्या होगा, VA हो जाएगा। हियर का कोड अगर निकालना होगा तो VA हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर टाइम लिखा हुआ और हियर लिखा हुआ है, अब आप ये बता दीजिए कि टाइम और हियर देखिए, हियर का कोड यहां से VA निकाल चुके थे आप, ये निकल चुका है, तो टाइम के लिए क्या सिर्फ बच गया, ये क्या है FA लिखा हुआ है ना, हाँ FA हो जाएगा, टाइम के लिए कोड क्या होगा, FA हो जाएगा। इसी तरीके से इसका कॉमन देखते हैं, जिस क्वेश्चन का पूछा जाए, जैसे यहां पर मन का पूछा गया था तो ये पहले और दूसरे में कॉमन है, और अगर पहले और दूसरे में कॉमन है तो पहले और दूसरे में कॉमन हमने क्या देख लिया, TI था, क्योंकि SI भी कॉमन था पहले दूसरे में, लेकिन ये तीसरे में भी कॉमन होने की वजह से मन का कोड SI नहीं हो पाया, ठीक है, ये तब हो पाता जब ये तीसरा वाला हमको क्या करते, इसको हटा देते। तो इस तरीके से कॉमन वर्ड दिया जाता है, किसी भी क्वेश्चन का निकालना हो आप कॉमन वर्ड आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पे अगला हम टाइप प्रश्न लेके चलेंगे, अगला टाइप क्या, कॉमन वर्ड आप करिएगा किताब से लगाइएगा, अगला इसका है वर्ड्स टू वर्ड्स, जहां पर शब्द और शब्द एक साथ की बात करता है, ठीक है, तो वहां पर कैसे, जैसे कह देगा प्रश्न किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाए, तो उस तरह का प्रश्न देखेंगे, हेडिंग बना लेंगे वर्ड्स टू वर्ड्स, और चलिए इसमें प्रश्न देखते हैं। वर्ड्स टू वर्ड्स में पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को ब्रिज कहा जाए, ब्रिज को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न के लिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि नोट पॉइंट बहुत जरूरी है, लिखिएगा यदि प्रश्न में कहा जाए लगा हो, यदि प्रश्न में कहा जाए लगा हो, लगा हो तो सबसे पहले फैक्ट पर जाते हैं, तो सबसे पहले FACT फैक्ट पर जाते हैं, और फैक्ट के आगे वाला, और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होता है, और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होता है। फैक्ट क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां प्रश्न क्या पूछना चाहता है, प्रश्न में यह कहना चाहता है कि किस पर फल लगेंगे, तो फल किस पर लगते हैं, जिस पर फल लगते हैं वही फैक्ट है। तो आप जानते हैं कि देखिए फल जो होगा वो पानी पे लगेगा नहीं, भोजन पे नहीं लगेगा, यहां पर किस पे वृक्ष दे रखा है, वृक्ष पे लगेगा, आकाश है दीवार, आकाश दीवार पे नहीं लगेगा। तो यहां पर फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट शब्द होगा क्या, वृक्ष हो जाएगा। अगर फैक्ट ब्रिज हो रहा है तो ध्यान देंगे कि ब्रिज को क्या कहा जा रहा है, तो आप क्योंकि देखिए यहां हमने क्या नोट लिखा, यदि प्रश्न में कहा जाए लगा हो तो सबसे पहले फैक्ट पर जाएंगे, और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होगा, पीछे वाला नहीं,
यहां ब्रिज दो बार लिखा हुआ, एक यहां है और एक यहां लिखा हुआ। यहां पर ब्रिज भोजन कह रहा है, भोजन को ब्रिज कह रहा है। यहां फैट से पहले भोजन लिखा है और यहां फैट के आगे क्या लिखा, आकाश लिखा हुआ है। तो हमने बोला कि फैट के आगे वाला उत्तर होगा, मतलब ब्रिज को क्या कहा जा रहा, आकाश कहा जा रहा है। तो यहां पर ब्रिज को क्या कहा जा रहा, आकाश कहा जा रहा है। तो कह रहा है किस पर फल लगेंगे, तो फल कहां लगेंगे, आकाश पर, ये इसका उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फैक्ट आपने पता कर लिया कि फल कहाँ लगेंगे, ब्रिज पे लगेंगे, और चूंकि ब्रिज को यहाँ क्या बात कर रहा, आकाश कह रहा है, तो ब्रिज को आकाश कह रहा है, तो आपका फल कहाँ लगेगा, तो ब्रिज पे नहीं, आपका आकाश पे लगेगा। तो इसी पे अगला एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। आइए कामन वर्ड का एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, एक बार आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें फैक्ट देखना है और जो भी उसका आगे दिया होता है वो हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि नीला को उजला कह रहा है, नीला को क्या बोला है, उजला, उजला को हरा बोला है, यहां कहना चाहता है उजला को हरा कहा जाता है, फिर बोला हरा को काला, ध्यान दीजिएगा हरा को काला कहा जाता है, फिर है कहां छोड़ दिए क्या हो सॉरी हरा को लाल बोला है ना, तो हरा को यहां लाल करेंगे, हरा को लाल कहा जाता है, लाल को भूरा, लाल को भूरा कहा जाता है, भूरा को काला कहा जाता है, भूरा को काला, ठीक है, तथा काला को पीला कहा जाता है, काला को पीला कहा जाता है। नोट पर लिखवा चुके हैं कि इस तरह के प्रश्न में फैक्ट पर जाएंगे और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होगा। तो चूंकि जो प्रश्न कहना चाहता है तो मानव के रक्त का रंग कैसा होगा, तो मानव के रक्त का रंग कैसा होता है आप बताइए, लाल होता है, और ये लाल शब्द आपका फैक्ट होगा, लाल शब्द फैक्ट होगा। और अगर इसमें प्रश्न में बात करें तो लाल शब्द आप देखेंगे तो कहां लिखा हुआ, देखिए लाल एक यहां लिखा हुआ है और एक लाल आपका यहां लिखा हुआ है, तो लाल आपका यहां पर फैक्ट है क्योंकि मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, और लाल के यहां पीछे हरा लिखा है और यहां लाल के आगे भूरा लिखा हुआ। तो नोट क्या लिखा हुआ कि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम फैक्ट पर जाएंगे और फैक्ट के जो आगे होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो चूंकि लाल के यहां भूरा कह रहे हैं तो आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, भूरा, ठीक है ना। तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा, चूंकि लाल होता है तो लाल को यहां भूरा कह दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, भूरा मिलेगा। क्योंकि जो फैक्ट होता है उसके हमेशा आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले टाइप प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है हर टाइप का, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नहीं आता है, काफी इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला हेडिंग है शब्दों का तार्किक क्रम या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या करना होता है कि जो शब्द लिखे होते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना होता है, एक आपको तर्क दिखाई दे, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर दिखाई दे। अब जिसे ये तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में आपको जानकारी होगा कि पहले क्या बनता है। जैसे खाना अगर बनता है तो खाना बनता है तो सबसे पहले क्या होगा, आप पहले जरूरी सामान ले आएंगे, उसके बाद आपका गैस चूल्हा वगैरह होगा, माचिस वगैरह देखेंगे, तब जाकर क्या बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, तब जा करके पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ अगर आप बात करते हैं तो पुस्तक, लुगदी, लुगदी का लट्ठा, पेन और कागज, ये पांच चीजें लिखा हुआ, तो इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है आप बताइए, क्या डायरेक्ट पुस्तक बन के तैयार हो जाएगा, पुस्तक बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होगा, बिना मटेरियल के आप डायरेक्ट पुस्तक नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से बरसात हुई और उसमें पुस्तक भी नीचे गिर गया है ना, तो ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, हम वन लेकर आएंगे, पहले वन में जाएंगे और वन में क्या करेंगे, लुगदी का जो लट्ठा लिखा हुआ है इसको इकट्ठा करेंगे, इससे फिर क्या होगा हमारा एक लुगदी बन के तैयार होगा, और उससे हमारा क्या होगा, कागज बनेगा, और कागज से क्या बन जाएगा, पुस्तक बनेगा। ये ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले बन के पास गए तो फोर, फिर लुगदी का लट्ठा इकट्ठा किए तीन, उससे लुगदी हमारा तैयार हुआ दो, उसके बाद हमारा कागज बना पांच, और फिर उसके बाद क्या बना, पुस्तक बना।
तो 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1 कौन सा ऑर्डर बनेगा? डी। इसी तरीके से आपको ऑर्डर ढूंढना होता है कि सबसे पहले क्या जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वन में जाना, वहां से लुगदी का लट्ठा इकट्ठा करना होगा, जिसे हमारा लुगदी तैयार होगा, फिर उससे हमारा कागज तैयार होगा, तब जाकर के हमारा पुस्तक बन के तैयार होगा। तो ये एक सीक्वेंस बनता है, आपको ऑर्डर में सजाना होता है। जैसे अगर हम ऐसे मान लीजिए ऑप्शन लिख दें, सपोज ये ना लिख करके छोटा सा हम कहें और आप कहें कि ऑर्डर में आप सजाइए। जैसे हमने कह दिया ए में लिख दिया मान लीजिए 6, बी में कर दिया 4, सी कर दिया 7, डी कर दिया मान लीजिए हमने 2, और कहा कि आप इसको ऑर्डर में सजाइए, ठीक। या यहाँ पर एक जगह हमने पहले पॉइंट कर दिया, दूसरे में हमने 4 ले लिया, तीसरे में 7 और चौथे में 2, हमने कहा इसको ऑर्डर में सजाइए। तो आप क्या करेंगे अगर ऑर्डर में कहा जाए तो भाई, क्योंकि नंबर लिखा हुआ तो आप कहेंगे भाई वहां पर असेंडिंग में सजाना है कि डिसेंडिंग में। इसमें भी है ना, या तो आप बड़े से छोटे की तरफ जा सकते हैं या तो छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर बढ़ते क्रम में कहेगा तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा आप ढूंढने लगेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो पहले 2 मिल जाएगा, फिर आपका 4 मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ से 2 उठाए, यहाँ से 4 उठाए, इसके बाद हम 6 ले लेंगे, तब जाकर लास्ट में क्या बनेगा, 7। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहें, घटते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लेंगे सबसे बड़ा 7 लेंगे, उसके बाद 6, फिर आपका क्या होगा 4, फिर आपका 2। तो ये बढ़ते क्रम में आप सजा रहे हैं और ये आपका क्या है, घटते क्रम, या इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो सिंपल आसान है, आपका नंबर लिखा हुआ, तो उसी तरीके से इसमें भी करना है। क्योंकि सार्थक क्रम में दर्शाने का मतलब यहां असेंडिंग डिसेंडिंग की तो बात किया नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि ये देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, उसके बाद लुगदी का लट्ठा बनेगा, फिर लुगदी तैयार होगा, फिर कागज तक जाकर पुस्तक। तो इसी पे एक प्रश्न हम और कराएंगे, आइए क्वेश्चन और देखा जाए। आसान होता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है? यहां 4 शब्द क्या आपको 5 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। विकल्प आपके 4 दिए हुए लेकिन आपके ये 5 वर्ड है। आपको यहां बताना सबसे पहले क्या होगा, क्या पहले ही पुलिस बैठ जाएगी? नहीं, पुलिस तब जाएगी जब आपका क्या होगा, आपका अपराध होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपराध होता है, और अपराध जब हो जाता है तब आपका क्या होता है, पुलिस पहुंचती है। क्योंकि आप जानते हैं फिल्मों में देखते हैं पुलिस पहले टाइम पे नहीं पहुंचती, जब सब कुछ घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, ठीक है ना। अपराध कर पुलिस गई उसके बाद क्या होगा, क्या डायरेक्ट उसको दंड मिल जाएगा? नहीं, वो क्या फैसला मिल जाएगा? नहीं, वो न्यायमूर्ति के पास पहुंचाया जाएगा। न्यायमूर्ति साहब क्या करेंगे, उस पे फैसला करेंगे कि क्या था, वो कितना गलत था, और सच में उसका अपराध था या नहीं था। या ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ के ले आए, तो पहले क्या होगा, फैसला होगा, तब जाकर के उसको क्या होगा, दंड मिलेगा। जैसे अपना अपराध उसका होगा उसके हिसाब से दंड मिलेगा। तो अपराध तीसरे नंबर पे था, उसके बाद पुलिस शब्द पहले नंबर पे था, फिर आपने देखा कि पुलिस के बाद कहाँ पहुंचे थे, न्यायमूर्ति चौथे नंबर पे थे, फैसला पांचवें नंबर पे था, और दंड शब्द आपके दूसरे पे मिला था। तो 3 1 4 5 2 इस क्रम में कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़ा आसान प्रश्न है, अगर आप करना जानते हैं, ऑर्डर बनाना जानते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगा। इसी पे एक प्रश्न और लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए कि हमको करना कैसे है। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, चले गए क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो देखिए यहां पर ये रेड हो जाएगा, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज, और इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से हैं, वाइब ग्योर, VIBGYOR। इस क्रम में अगर हम देखें तो वायलेट भी, देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा, बैगनी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। आई शब्द कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बी लिखा हुआ है, बी भी कहीं नहीं है, जी लिखा है, तो जी का नंबर कौन सा है, दूसरा। इसके बाद
आपने देखा जी हो गया है। अब वाई की बात करेंगे तो वाई चौथे नंबर पे है, ओ की बात करेंगे तो पांचवें नंबर पे, और आर की बात करेंगे तो पहले नंबर पे। 3 2 4 5 1 और इस क्रम में कौन सा हो जाएगा, पहला ऑर्डर 3 4 3 2 4 5 1। चूंकि इंद्रधनुष की बात कर रहा था, इंद्रधनुष में ये 7 रंग प्रयोग होते हैं वायलेट की ओर, और इसी के हिसाब से आपको क्रम में दर्शाना था। तो सबसे पहले वायलेट भी आता है, तो भी देखेंगे कहाँ लिखा था, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर आई भी चूंकि लिखा नहीं था, जी लिखा था, तो जी आप देख रहे दूसरे नंबर पे है। वाई की बात करेंगे चौथे नंबर पे, वो पांचवें नंबर पे, और आर आपका रेड पहले नंबर पे। तो क्रम क्या होगा 3 2 4 5 1, इस क्रम में इस प्रश्न को होगा, ठीक है ना। तो आप इतना प्रश्नों को सॉल्व करिए, कोई समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं या जो नए बच्चे हैं, वो दोनों लोग क्या करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और हमें और इसे अच्छा करने को प्रेरित करते हैं। तो इतना के लिए आज के लिए धन्यवाद।